उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सोमवार को हापुड़ में कहा कि 17 अक्टूबर मंगलवार को हापुड़ में होने वाला अनुसूचित जाति सम्मेलन अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होगा। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अनुसूचित जाति के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हापुड़ में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले चुनाव में अनुसूचित वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थन किया है। पार्टी भी अनुसूचित वर्ग से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद है कि अनुसूचित वर्ग का 100% समर्थन मिलेगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि पार्टी सभी को साथ लेकर चल रही है और सभी के लिए काम कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए योजना बना रही है। और वह बोले कि अनुसूचित वर्ग का अच्छा समर्थन मिला है और ये समर्थन अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में अवश्य बढ़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में और हाल में हुए नगर निकाय चुनाव में हर बार अनुसूचित वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ता रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें विश्वास है कि पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा होगा। कि आज समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक चट्टान के रूप में खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी भी एक चट्टान के रूप में समाज का समर्थन कर रही है। ये विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% समर्थन अनुसूचित वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला लिया है, जो ये बताता है कि मायावती को सपा की ठगी की नीति की पहचान हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने के हिसाब से योजना बना के मैदान में उतरेगी और पश्चिमी क्षेत्र में तो निश्चित रूप से हम लोग सभी सीटें जीतेंगे। पिछले चुनाव से मुझे लगता है कि बहन जी ने ये सबक लिया, क्योंकि बहन जी ने तो अपना वोट दिलवाया दूसरी पार्टियों को, लेकिन दूसरी पार्टी अपना वोट नहीं दिलवा पाए और जिसका शायद परिणाम यह है कि बहन जी ने इस चुनाव में निर्णय लिया कि वो अकेले जाएंगी, जैसा अभी उन्होंने कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अनुसूचित वर्ग के जो मूवमेंट रहे हैं, जो आंदोलन रहे हैं, उनका समर्थन किया है। बहन जी को कई बार मुख्यमंत्री बनने के लिए भी सहयोग किया है। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, बहन जी के ऊपर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला किया, तो हमारे ही नेता श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आगे बढ़ के आए, उन्होंने उनकी रक्षा की। तो बहन जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रुख को, समाजवादी पार्टी की ठगी की नीति को पहचाना है और उन्होंने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है उनको इस अलायंस से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आनंद विहार पहुंचेंगे, जहां वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हापुड़ का केंद्र है, जिसके चलते यह सम्मेलन हापुड़ में किया जा रहा है। हापुड़ पहुंचने पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण का भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया।